Basically, this L moment estimation consists of L moments. जैसे हमने moments पढ़े थे ना semester 1, 2, 3 में, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी इस तरह ये होते हैं, L moments होते हैं. तो simple moments हैं observations के. यहाँ पर L moments basically क्या है, linear combination है किसका, order statistics का. order statistics पढ़ी हैं आप लोगों ने, probability and probability distribution के कोर्स में आप order statistics पढ़ के हैं. तो order statistics के जो linear combination है उन्हें L moments कहा जाता है. तो यहाँ पर भी different L moments होते हैं. lambda से represent करते हैं population L moments को, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. और sample L moments को आप small L1, small L2, L3, L4 इस तरह जो है वो express किया जाता है. तो कुछ formula है इसके, वो मैं लिख देता हूँ आपको, विजिबल नहीं है सही तरह. देखिए बेसिकली होता क्या है कि ये जो लैम्डा वन है पॉपुलेशन एल मोमेंट वन, लैम्डा वन, ये लैम्डा वन कहें या फिर आप इसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कहें, एक ही बात. कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, 0 to 1 लिमिट एफ इनवर्स यू और डी यू. अब ये एफ इनवर्स यू आपके पास क्या होता है, ये इनवर्स सी डी एफ कहलाता है. जो एफ इनवर्स यू है इनवर्स सी डी एफ कहलाता है, वेयर एफ इनवर्स यू इज इनवर्स CDF. यानी अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे ये बता रहा हूँ, सी डी एफ है तो सी डी एफ को आप यू के इक्वेट करें और यू के इक्वेट करने के बाद यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो एफ इनवर्स यू कहलाएगी. वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर दें 0 to 1 u के रिस्पेक्ट से, तो आपके पास क्या ऑप्टेन हो जाएगा, लैम्डा वन. इसी तरह लैम्डा टू क्या होगा, लैम्डा टू के लिए ही सेम 0 to 1 टू यू माइनस वन एफ इनवर्स यू डी यू. लैम्डा थ्री 0 to 1 6 u square minus 6 u plus 1 f inverse u du. और lambda 4 0 to 1 f inverse u 20 u cube minus 30 u square plus 12 u minus 1 d. ये इसके फॉर्मूले हैं ना, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, लैम्डा फोर. अब जिस तरह रिलेशन थे उसके मोमेंट्स के, यहाँ पर भी इसके कुछ रिलेशन होते हैं. इन लैम्डास को आप इसके इक्वल भी लिख सकते हैं ना, ये लैम्डा जब आप कैलकुलेट करें ये लैम्डा जो है वो इसके इक्वल भी हो सकते हैं. ये जो बीटास के साथ इसका कुछ रिलेशन, बीटा है इनके साथ इसका कुछ रिलेशन, रिलेशन क्या यहाँ लिख देता हूँ कि जैसे लैम्डा टू आपके पास जो है वो इक्वल होता है टू बीटा वन माइनस बीटा नॉट, और लैम्डा वन आपके पास इक्वल होता है बीटा नॉट. बीटा नॉट का है या मीन का है एक ही बात है, बीटा नॉट का है या मीन का है एक ही बात है, और लैम्डा वन का है मीन का है वो भी एक ही बात है. और ये जो लैम्डा थ्री है ये इक्वल होता है 6 बीटा 2 माइनस 6 बीटा 1 प्लस बीटा नॉट,
और लैम्डा फोर आपके पास 20, बीटा थ्री माइनस 30, बीटा टू प्लस 12, बीटा वन माइनस बीटा नॉट इसके इक्वल होता है। अब ये बीटास कैसे फाइंड करेंगे इंडिविजुअली, अगर आपको बीटा फाइंड करना हो तो बीटा कैसे फाइंड करेंगे, ये इसका कुछ रिलेशन है, यहाँ लिख देता हूँ, वेयर बीटा आर इन जनरल, बीटा आर का फॉर्मूला 1/n समेशन जे इक्वल टू आर प्लस 1 टू एन और जे माइनस 1 जे माइनस 2 एंड सो ऑन जे माइनस आर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस आर एक्स जे। ये क्या है एक्स जे, ये जो एक्स जे ये jth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल अगर आर वन है तो आर वन है तो यहाँ पर बीटा क्या हो जाएगा, बीटा वन वन अपॉन एन, ये समीशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वन प्लस वन कितना होगा टू हो जाएगा, ये समीशन जाएगा आपके पास टू से लेकर एन तक जाएगा। अच्छा ये कितने ब्रैकेट्स होंगे, ये आर तक है ना, आर कितना है वन, तो ये सिर्फ वन तक ही आ जाएगा, यानी समीशन क्या हो जाएगा आपके पास जे माइनस वन, अगर टू होता तो फिर टू तक जाता, जे माइनस वन जे माइनस टू हो जाता, और नीचे भी देखें एन माइनस वन एन माइनस टू एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, आर तक जाएगा, आर वन है तो यानी खाली एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन और एक्स जे इस तरह। इसको मजीद अगर हम ओपन करना चाहें तो जे की पहली वैल्यू क्या पुट करेंगे, टू, ठीक है टू पुट करें तो क्या आएगा, टू माइनस वन, टू माइनस वन क्या होता है वन और एक्स वन, एन माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो आप जो है वो ये इस तरह आप पुट कर सकते हैं, किस तरह के वन अपॉन एन एन माइनस वन, और सबमिशन में क्या आएगा आपके पास जे माइनस वन क्या है, जे क्या है टू, टू माइनस वन, इस तरह लिखें टू माइनस वन एक्स वन प्लस थ्री माइनस वन, सॉरी ये एक्स टू होगा ना, ये टू है ना तो ये एक्स टू है, एक्स थ्री प्लस फोर माइनस वन एक्स फोर एंड प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन कहाँ तक, एन माइनस वन एक्स एन, ठीक है। अब करते किस तरह है इसको, हम जो है वो सैंपल एल मोमेंट्स को हम पॉपुलेशन एल मोमेंट से हम इक्वेट करेंगे और हमारा जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, इक्वेटिंग पॉपुलेशन एल मोमेंट टू सैंपल एल मोमेंट, पॉपुलेशन एल मोमेंट को सैंपल एल मोमेंट से इक्वेट करेंगे और वहां से फिर हम रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे।